नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आज के इस रिपोर्ट में बात करने वाले हैं फिर से एक बार राजस्थान में चल रही सत्ता। कांग्रेस पार्टी के चिंतन शिविर का दूसरा दिन है और आपस में ही नेताओं की भिड़ंत चलती दिख रही है। जी हां, दरअसल हम बात कर रहे हैं यहां पर कांग्रेस पार्टी में सीएम गहलोत और सचिन पायलट की भिड़ंत को लेकर। जी हां, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बड़ा बवाल मचता नजर आ रहा है सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच में। जी हां, यहां पर दोनों ही अलग अलग कैंडिडेट्स का नाम लेते नजर आ रहे हैं, जिससे एक तगड़ी भिड़ंत देखने के लिए मिल रही है। सीएम गहलोत का कहना है कि राहुल गांधी को प्रदेश अध्यक्ष का पद देना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट का नेतृत्व कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए, जिससे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी में आपसी रिश्ते खराब होने की वजह से कहीं सचिन पायलट पार्टी को छोड़ते ना दिखे। कि सचिन पायलट को सीएम बनाने के भी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सोनिया गांधी इस पर सिर्फ विचार विमर्श ही कर रही है, किसी भी फैसले पर नहीं पहुंची है। तो आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी के इस चिंतन शिविर का फैसला क्या निकल कर आने वाला है? कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें।